गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रीजनिंग एक बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट रहा है। मैथ और इंग्लिश के साथ हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रीजनिंग एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके लिए जरूरत है तो एफिशिएंसी और एक्यूरेसी की, और एफिशिएंसी और एक्यूरेसी आती है प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस उसी चीज की जाती है जिसके लिए आपके मन में इंटरेस्ट हो, और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैं सलोनी बेंचेस आईक्यू पे आप लोगों के लिए लाई हूँ रीजनिंग के कुछ आसान तरीके। आप उससे एफिशिएंटली सॉल्व भी कर सकेंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ। और हमारा फर्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं असमानता। अब इनइक्वालिटी जनरली दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए होती है। क्या वो वेरिएबल की वैल्यू उससे बड़ी है, बराबर है, बड़ी या बराबर है, छोटी है, ऐसी चीजें हम कंपेयर करने के लिए इनइक्वालिटी का यूज करते हैं। अब इनइक्वालिटी में कुछ बेसिक सिंबल्स हैं, तो वो सिंबल्स मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगी उनके क्या नाम है। तो फर्स्ट सिंबल है इक्वल। इक्वल हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर कोई दो वेरिएबल है ए और बी, अब ए और बी, तो ए से अगर बी तक जाना है और इधर ये दो लाइन है, तो हमने सपोज किया ये एक पाथ है और यहाँ पे सब बराबर के ही लोग जा सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, तो ये इक्वल के लिए। अब चार साइंस हैं, इनके नाम से पहले हम इनका मतलब जानेंगे। तो फर्स्ट साइंस, इसमें क्या हो रहा है, कोई भी चीज है यहाँ से छोटी दिख रही है आपको, और फिर जैसे जैसे ये बाहर निकलेगी तो ये बड़ी बड़ी होती जाएगी। तो यहाँ पे तो बड़ा आएगा और यहाँ पे जो चीज है वो छोटी होगी, और यहाँ पे ये बड़ी है तो ये यहाँ पे छोटी छोटी होके यहाँ पे छोटा सिंबल आएगा और यहाँ पे बड़ा आएगा। अब पहला वेरिएबल यहाँ हम लिखते हैं ए और सेकेंड वेरिएबल लिखते हैं बी। अब इसका मतलब क्या है, ए जो है वो छोटा है बी से। हमने बचपन में क्या पढ़ा है, जहाँ मुंह खुला होगा वो चीज बड़ी होगी और जहाँ मुंह बंद होगा वो चीज छोटी होगी। पर हम इसका नाम कैसे देंगे सिंबल का, तो नाम देने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल का रेफरेंस लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में ए है और ए छोटा है, तो हम इसका साइन लेंगे लेस देन, ठीक है। अब इसमें भी सेम यही चीज होगी, पर इसमें क्या हो रहा है, ए बड़ा है तो हम इसका साइन का नाम देंगे ग्रेटर देन, ठीक है। फिर अब क्या है, इसमें इक्वल की डंडी आ रही है, सिचुएशन तो सेम है पर ये इक्वल की भी डंडी आ रही है। इसका मतलब कि ये सिचुएशन सेटिस्फाई होगी या ये सिचुएशन सेटिस्फाई होगी, मतलब क्या है, और की कंडीशन आ रही है, या तो ये या ये, तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे लेस देन और इक्वल टू, और इसमें सेम देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। अब सिंबल्स तो ये हो गए। अब हमारे पास क्या होता है, रीजनिंग की सीक्वेंस आती है। रीजनिंग की सीक्वेंस के लिए हमें सबसे पहले जरूरी है कि साइंस की प्रायोरिटी देखी जाए। तो साइंस की प्रायोरिटी स्टूडेंट ढंग से देखना, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाली है। आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके लिए साइंस की प्रायोरिटी आपको हमेशा पता होनी चाहिए। तो पहले हम देखेंगे साइंस की प्रायोरिटी इनके बीच में। तो जब भी ये दो साइन आएंगे कहीं पर भी इन दो साइन का कॉन्फ्लिक्ट होगा, आगे मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगी, तो हमेशा इस साइन को प्रायोरिटी दी जाएगी। सेम इन दोनों में इस साइन को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब अगर इन दोनों साइन का कॉन्फ्लिक्ट आता है तो कोई भी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं होगी, यानी कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा। सेम इन दोनों में भी कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होगा। अब इन दोनों का अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है या इन दोनों का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसमें भी कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा। अब हम देखें इक्वल की बात करें तो इक्वल की प्रायोरिटी हमेशा लोएस्ट होती है। अब लोएस्ट होती है तो जो भी साइन हो यहाँ पे उसमें सारी प्रायोरिटीज इन्हीं की होगी। अब यहाँ पे इक्वल आ रहा था साथ में तो इसकी प्रायोरिटी लो हो गई, इसकी प्रायोरिटी लो हो गई, और यहाँ तो पूरा ही इक्वल है तो इसकी प्रायोरिटी तो लोएस्ट होगी, ठीक है। अब ये हो गए बेसिक
सिंबल की बात और प्रायोरिटी की। प्रायोरिटी में हमेशा ये लोएस्ट और हाईएस्ट वाली ध्यान में रखना, जिसके साथ इक्वल आएगा उसकी प्रायोरिटी हमेशा लो होगी और जिसके इक्वल नहीं आएगा उसकी प्रायोरिटी हमेशा हाईएस्ट होगी। अपोजिट साइन की कोई प्रायोरिटी नहीं होगी, और अपोजिट साइन के अलावा अगर सेम साइन है और उसमें जो इक्वल आ रहा है उसकी प्रायोरिटी लो होगी। ठीक है, अब हम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने लिया, स्टेटमेंट है ये, एग्जाम में आपके ऐसे आएगा, ठीक है। अब इस सिंबल, इस स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन को इसमें आएगा एग्जाम में आपके कंक्लूजन से। तो कंक्लूजन अगर मैंने दिया इसमें कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन ई, ठीक है, ऐसा कंक्लूजन है। तो अब इन कंक्लूजन से पहले मैं आपको बताऊंगी इसमें ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शंस में क्या होगा, ऑप्शंस की सीक्वेंस चेंज हो सकती है, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, पर जनरली ये पांच क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या हो गया, इन कंक्लूजन का हम नाम दे तो ए और बी। अब जैसे ओनली ए ओनली बी, इधर ए और बी, नीदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी। अब ये ऑप्शन आते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंक्लूजन, कंक्लूजन में देखेंगे ए से डी, तो ए से हमें डी तक जाना है। तो ए से डी जाने के लिए मैंने सिंबल्स की प्रायोरिटी बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उन प्रायोरिटीज को याद रखना है कैसे। अब इसमें मैं बताऊंगी, इसको दूसरे पेन से ले लेते हैं, इक्वल और ग्रेटर में कौन सी प्रायोरिटी होगी, ग्रेटर देन की होगी, इक्वल की हमेशा लोएस्ट होती है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन आया। अब इसमें देखेंगे ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल में कौन सी प्रायोरिटी होगी, ग्रेटर देन की होगी, यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन है, तो ये हो गया करेक्ट। अब सेम सी से ई तक जाना है, सी से ई तक जाना है, तो सी से ई तक जाने के लिए क्या है, ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर, तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी होगी, ग्रेटर देन की होगी, और यहाँ भी ग्रेटर देन है, तो यानी दोनों ऑप्शन सही हुए, दोनों ऑप्शन सही हुए, तो क्या आ गया आंसर फिफ्थ, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट और वी कैन से दैट बोथ कंक्लूजन आर ट्रू, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा ऑप्शन लेती हूँ एग्जाम्पल में, v इज ग्रेटर देन d और b इज इक्वल टू d, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, b से d तक जाना है, तो b से d तक जाना है, तो इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल में कौन सी प्रायोरिटी होगी, इसकी तो लोएस्ट होती है, तो ये वाली होगी। अब यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल का आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ ग्रेटर आ रहा है, तो हमारे लिए ये गलत हो गया। अब नेक्स्ट में हमने देखा इक्वल आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, पर सिचुएशन क्या है, ये दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब हमारे लिए ऑप्शन क्या होता है, नीदर ए नॉर बी, पर स्टूडेंट ये क्वेश्चन जल्दबाजी में कर लेंगे और वो उनको लगेगा सही नहीं है, पर एक्चुअल में चीज क्या होगी कि ये दोनों जो सिचुएशन है ना, इनमें हम देखेंगे कि वेरिएबल सेम है, ठीक है, सिर्फ साइन अलग है, साइन इसमें क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे बनता है, ग्रेटर प्लस इक्वल, तो इससे क्या बनता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ये बताया था कि ये ग्रेटर और इक्वल होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ग्रेटर और इक्वल आ रहा है, यानी इसका ऑप्शन सी होगा, यानी इधर ए और इधर बी, ठीक है, और बी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने ले लिया ए इज लेस देन सी और सी बी, ले लेते हैं इस बार बी
इज ग्रेटर देन ई, ए इज लेस देन सी, तो ए से सी की तरफ जा रहे हैं, ए से सी की तरफ जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, ए से सी की तरफ जाने में ग्रेटर और इक्वल आ रहा है, तो ग्रेटर की प्रायोरिटी है, यहाँ पे क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है, तो ये हो गया गलत। अब B से E जाना है, तो B से E जाना है, तो B से E जाने के लिए क्या हो रहा है, इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल में किसकी प्रायोरिटी है, ग्रेटर देन इक्वल की, इक्वल की प्रायोरिटी लोएस्ट है, और ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन में किसकी प्रायोरिटी है, ग्रेटर देन की, यहाँ भी ग्रेटर देन है, तो ये कंक्लूजन सही हो जाएगा और इसका ऑप्शन होगा सेकेंड, दैट इज ओनली बी। ठीक है, अब ऐसे ही अगर दोनों चीजें सेटिस्फाई नहीं करेगी तो नीदर ए नॉर बी होगा, और ओनली ए ओनली बी आपको पता है, इधर ए और बी का मैंने कंसेप्ट बता दिया है, बोथ ए एंड बी का हमने एग्जांपल ले लिया। अब स्टूडेंट ये तो क्या हो गया, यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट इतना अराइज नहीं हुआ, अब कॉन्फ्लिक्ट अराइज करने के लिए हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, ये चेंज किया है। ठीक है, अब ये चेंज करने के लिए हम ये देख रहे हैं, ए से ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि ए से ई तक जाना है, तो पहले बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी कोई अपोजिट साइन आता है तो कोई भी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो सकती, और इधर तो दो अपोजिट साइन आ रहे हैं, एक तो ये वाला पेयर बन रहा है और एक ये वाला पेयर बन रहा है, तो अगर मैं पहले पेयर की बात करूं तो मैं ये देखती हूं कि जो सी से पीछे वाले हैं और ई से जो आगे वाले जो भी वेरिएबल्स होंगे, इनका रिलेशनशिप इनसे और इनसे एस्टैब्लिश नहीं किया जाएगा, मतलब ए से अगर मैं एफ का लू, ए से ई का लू, कोई भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होगा। सेम वही कंडीशन यहाँ वाले पेयर में भी आएगी कि F से आगे अगर कोई वेरिएबल है और D से जो पहले वेरिएबल है उनका भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होगा, और D और F का भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो स्टूडेंट हमें यही ध्यान रखना है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमें पॉइंट टू पॉइंट ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, सिंबल टू सिंबल ऐसे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे ए से ई तक जाना है, ए से ई तक जाना है। अब इसमें क्या, हम पहले तो क्या कर रहे थे, ऐसे ऐसे देख रहे थे, अब वो देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गए, यहाँ साइन अपोजिट आया, ई तो बाद में है, यानी कंक्लूजन गलत हो गया। ए से एफ तक गए, तो ए से एफ तक गए, यहाँ पे गलत हो गया, तो अब यहाँ तो देखने का क्वेश्चन ही पॉइंट ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो अब ये दोनों गलत हो गए, तो आंसर क्या आ गया, नीदर ए नॉर बी। अब ये तो स्टूडेंट हो गए बेसिक क्वेश्चन, अब बेसिक क्वेश्चन क्लास में तो आ जाएंगे आपके प्रीलिम्स में, पर ऐसे क्वेश्चन जनरली बैंक पी और उसमें नहीं पूछे जाते हैं, उसके लिए मेथड है अरेंजमेंट मेथड, जो कि मैं अगले सेशन में बताऊंगी, और उसको हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए एक पॉजिटिव वाइब के साथ मैं आपको अलविदा कहती हूँ, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।